नमस्कार, मैं अचल लोखंडे। महाराष्ट्र टीवी 24 के रैपिड फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल ने किया संविधान का अपमान। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 12 नेताओं को मनोनीत करने में हो रही देरी को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बुरी तरह घिर गए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि 12 नेताओं की नियुक्ति के मामले को लटकाकर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। लालू यादव को सीबीआई की क्लीन चिट। सीबीआई के आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रिश्वत मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। कोरोना छोड़ वेरिएंट पर हंगामा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना के भारतीय वेरिएंट की बात कर एक बार फिर दोनों के बीच जुबानी जंग तेज कर दी। सोशल मीडिया पर सरकार सख्त। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी से कहा कि वे कोविड-19 के भारतीय वेरिएंट से जुड़ी सारी पोस्ट हटा दे। रामदेव पर दर्ज करो एफआईआर। भारतीय चिकित्सा संघ ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को योग गुरु रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एलोपैथी के खिलाफ बयान दिए। वैक्सीन की कमी का संकट जून में खत्म। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि जून माह के बाद से कोरोना वैक्सीन का संकट खत्म हो जाएगा। बिना स्टॉक देखे बढ़ाया वैक्सीनेशन। कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहे भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश 18 प्लस को लेकर अलग अलग प्राथमिकता समूह को टीका दिया जा रहा है, मगर देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी हो रही है। दिल्ली में रुका 18 प्लस को टीका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रविवार को दिल्ली में 18 से 44 साल के युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल सकी। सीएम शिवराज बोले एमपी खोलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए कहा कि 1 जून से मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू को खोलना है। नेपाल के मध्यावधि चुनाव की घोषणा। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और पीएम केपी शर्मा ओली ने नेपाल की संसद को भंग कर मध्यावधि चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। इसी के साथ यही रुकते हैं। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।